आपकी ट्रीज सारी की सारी कनेक्टेड होनी चाहिए। अब हमारे पास कुछ ऐसे आते हैं ग्राफ आते हैं, ग्राफ के अंदर क्या होता है कि आप सारे ग्राफ आपस में सर्किट्स उनके बने हुए होते हैं, हमने अब या तो उनको ट्रीज में कन्वर्ट करना है, अगर हमारे पास ट्रीज भी है तो हमने ऐसे रूट्स ऐसी एजेस और ऐसे वर्टिसेस को रिमूव करते हुए जाना है जिन जिसकी जरूरत हो भी ना भी हो, अगर मे और मे नॉट है ऑप्शंस है तो तब भी वो हमारे पास जो वर्क कर सके, हमारा पूरा का पूरा जो सिस्टम पाथ है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, जो एक्स्ट्रा है उनको हम लोग रिमूव करते हुए जाएंगे। सपोज इट इज रिक्वायर्ड टू डेवलप अ सिस्टम ऑफ रोड बिटवीन 6 मेजर सिटीज, यहाँ पे एक स्पैनिंग ट्री के एग्जाम्पल से हमने स्टार्ट किया है कि आपको सिस्टम ऑफ रोड बनानी 6 मेजर सिटीज के, अ सर्वे ऑफ एरिया इज रिलीव दैट ओनली द रोड शोन इन द ग्राफ कुड बी कंस्ट्रक्टेड। अब यहाँ पे आपके पास ग्राफ आपने बनाना है, जैसे ही आपने ग्राफ बनाना है तो अब ग्राफ के अंदर हम लोग डिफरेंट एल्गोरिदम्स लगा के हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा हमारे पास पॉसिबल रूट है या नहीं है। अगर आपको याद हो मल्टीनियन सर्किट हमने जब पढ़ा था, हमारे पास हर पॉइंट के ऊपर कुछ वेट गिवन थे, हम उन वेट को ऐड कर रहे थे और जिसमें सबसे कम डिस्टेंस हमें कम वेट पड़ रहा था या कम हमें प्राइस पड़ी थी, हम लोग उस वे को कंसीडर कर रहे होते थे। तो यहाँ पे भी हम लोग इसी तरह करेंगे कि हर चीज को चेक करते हुए जाएंगे। फॉर इकोनॉमिक रीजन इट इज डिजायर टू कंस्ट्रक्ट द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ रोड। अब हमने क्या इकोनॉमी रीजन से इतने करने के जो भी रोड्स कंस्ट्रक्ट करनी है कम से कम नंबर ऑफ रोड्स हों, और हमारे पास जो सारी की सारी सिटीज हैं वो आपस में क्या होनी चाहिए, कनेक्ट होने चाहिए। अगर आपको याद हो ये जो कश्मीर हाईवे वाला पुल है, ये अगर ये देखो तो इसमें रोड्स वगैरह कम से कम है, लेकिन इसमें ऑलमोस्ट इन्होंने हर साइड को आपको कोई ना कोई पाथ जो है वो अवेलेबल दिया हुआ है। आपने रावलपिंडी साइड जाना हो, ब्लू एरिया की साइड पे जाना हो, या सेक्रेट साइड पे जाना हो, हाईवे साइड पे जाना हो, हर साइड पे उन्होंने कोई ना कोई आपको आपस जो है पाथ जो है वो एक गिवन दिया हुआ है। लेकिन अगर वहां पे देखो तो बहुत कम लेवल पे रोड कंस्ट्रक्ट की हुई है, इतना नहीं है ना कि बहुत बड़ी बड़ी रोड्स बनाई गई हैं, एक छोटे से पुल की मदद से ही हम लोगों ने सारी की सारी चीजों को कवर किया हुआ है। अब ये बेसिकली हमारे पास एक ग्राफ था, इसमें क्या है 6 वर्टिसेस हैं जिसमें ए बी सी डी ई एफ है, ये सारी की सारी हमारे पास क्या है हमारी वर्टिसेस हैं। अब उसने क्या 6 सिटीज थे इनको आपस में कनेक्ट करना था, अब हमने क्या किया एक ग्राफ के थ्रू हमने कनेक्ट कर दिया कि ए से बी सिटी कनेक्टेड है, बी से ई कनेक्टेड है, बी और बी से एफ भी कनेक्टेड है, ए से एफ भी कनेक्टेड है। अब ये टोटल हमने ग्राफ बनाया हुआ है कि ये सारी की सारी जितनी भी सिटीज हैं आपस में कनेक्टेड है। अब हमने क्या करना है, ये अगर देखा जाए तो एक रोड ये जा रही है, एक रोड ये है, एक रोड ये, अब हमने मिनिमम रोड्स बनानी है, क्यों हमने, ताकि हमारे पास इकोनॉमी कॉस्ट जो है वो हमारे पास हमारी कम से कम पड़े। अगर इस तरह हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं तो इस तरह कंस्ट्रक्ट करने से क्या होगा कि हमारे पास बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ेगी और बहुत रोड्स बनानी पड़ेंगे हमें। वी कैन कंस्ट्रक्ट द रोड बिटवीन ए एंड बी, बट वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट द रोड फ्रॉम ए टू ई एंड ए टू डी एंड ए टू सी। अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं ए से बी पे रोड तो कंस्ट्रक्ट कर देती हूँ, क्या मुझे जरूरत है कि मैं ए से सी पे भी कंस्ट्रक्ट करूँ, ए से डी से और ए टू सी कंस्ट्रक्ट करती जाऊँ। अगर हमारे पास ये होगा ए से बी पे गए एक सिटी के, बी अगली सिटी से हम लोग बी से सी पे चले जाएंगे, उससे अगली सिटी से सी से डी पे चले जाएंगे, डी से ई पे, और ई से हम लोग वापस किस पे आ सकते हैं, एफ पे आ सकते हैं, या बी से मुझे एफ पे जाना हो तब भी मैं इन सारी सिटीज को कवर करके एफ पे आ सकती हूँ। ये नहीं है कि मुझे कोई डायरेक्ट पाथ चाहिए हो कि मैंने बी से एफ पे जाना है तो मेरे पास कोई डायरेक्ट पाथ है या नहीं है। अब हमारे पास क्या, दिस इज स्पैनिंग ट्री विद द नंबर ऑफ वर्टिसेस 6 एजेस फर्स्ट 6 माइनस 1। इसमें स्पैनिंग ट्री में याद रखो आपके पास जितनी नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगी उतने एजेस जो है वो हमेशा एक कम होगा, इसमें इस एजेस इसमें कितने होने चाहिए 5 होने चाहिए। हमने क्या किया, अब देखो फॉर एग्जाम्पल ए से बी जा रहे हैं, ए बी से सी जा रहे हैं, इसका मतलब अगर ए से मैं स्टार्ट करूँ मुझे ये हो कि मुझे ए से सी, एक सिटी ए है, ए से मुझे सी पे जाना है, तो इसका मतलब मिड में मेरे पास क्या आ रही है, बी सिटी आ रही है, तो मैं ए से बी, बी से सी पे मूव कर सकती हूँ। अगर मुझे बी से एफ सिटी पे मूव करना हो, एक तो ये डायरेक्ट पाथ था गिवन था, लेकिन हमने क्या किया हमने मिनिमम ट्रीज करनी है तो डायरेक्ट पाथ की तो जरूरत ही नहीं है हमें, हम लोग क्या करेंगे बी से सी पे जा सकते हैं, सी से डी पे, डी से ई पे, और हमारे पास ई से एफ पे भी जा सकते हैं। एक तो पाथ ये हो सकता है, दूसरा पाथ ये हो सकता है कि मैं सिंपली इस पाथ को कनेक्ट कर दूं और इस पाथ को, ये जो ई से एफ वाला पाथ है, इसको यहाँ से रिमूव कर दूं, एक पॉसिबल वे ये हो सकता है। दूसरा पॉसिबल वे क्या हो सकता है कि हम लोग यहाँ से सी से ई पे जा रहे हैं, इस पॉसिबल इस यहाँ पे ये वाला रूट रखें और इस रूट को यहाँ से रिमूव कर दें।
जितना मिनिमम हो सकता है हम लोग उतने ही एजेस बनाएंगे, और मैक्सिमम अगर एजेस हैं तो उसको मिनिमम एजेस पे मूव करते हुए जाएंगे। अब ये देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ए से अगर मुझे डी पे जाना हो तो ए से बी, बी से सी, सी से डी पे जा सकती हूँ। अगर मुझे सी से ए पे जाना हो तो मैं सी से बी और बी से ए पे, जितने भी एक्स्ट्रा एजेस थे जो आपस में इंटरलिंक कर रहे थे एक दूसरे के साथ, हमने उन सारे एजेस को रिमूव कर दिया और हमारे पास अब जो ट्री आ रहा है वो बेसिकली क्या आ रहा है, एक मिनिमम ट्री आ रहा है जिसके अंदर ऑलमोस्ट सारी की सारी सिटीज आपस में कनेक्टेड है। मैं किसी भी सिटी पे मूव कर सकती हूँ। अगर मुझे ई से एफ पे जाना हो, ई सिटी से एफ सिटी पे जाना हो, तो मैं ई से सी पे पहले जाऊंगी, सी से बी और बी से एफ पे। इन सिंपल, अगर आप लोग वो जीटी रोड वाली जो हमारे पास ये रोड है अगर इस पे चेक करो तो यहाँ पे इस रोड पे जाते वक्त आपको डिफरेंट सिटीज मिलते हैं। अगर आपने इस्लामाबाद से लाहौर जाना है तो उसके दरमियान आपको डिफरेंट सिटीज मिलते हैं। आप उन सारे सिटीज को क्या करते हो, पास करते हो, पास करते करते आप लोग वहां पे पहुंच रहे होते हो। अगर वही आपने मोटरवे के इस साइड से जाना हो तो वहां पे आपका टाइम जो होता है वो ऑलमोस्ट 1 आवर या 2 आवर आपका ज्यादा लगता है, और जीटी रोड पे आपका जो टाइम है वो कम लग रहा होता है। तो हम लोग हमेशा जिस जिस चीज को प्रेफर कर रहे थे कि इसको कि हमारे पास कॉस्ट भी कम लगे और हमारा टाइम भी ज्यादा कंज्यूम ना हो। अब ये फॉर्मल डेफिनेशन है आपके पास स्पैनिंग ट्री की। अ स्पैनिंग ट्री फॉर अ ग्राफ जी इज अ सब ग्राफ ऑफ जी दैट कंटेन एवरी वर्टिसेस ऑफ जी एंड इट इज अ ट्री। आपके पास स्पैनिंग ट्री का एक सब ग्राफ होगा, जो भी आपके पास ग्राफ होगा उस ग्राफ का ही एक सब ग्राफ बनेगा जिसमें आपकी हर वर्टिसेस तो कनेक्टेड होंगी, लेकिन वो आपको एक ट्री की रिप्रेजेंटेशन से शो हो रहा होगा। एक प्रॉपर ट्री होगी जिसमें आपके पास एक पे सारे के सारे वर्टिसेस, एक जिसके सारी वर्टिसेस आपस में एक दूसरे के साथ क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। एवरी कनेक्टेड ग्राफ हैज अ स्पैनिंग ट्री। आपके पास जो भी कनेक्टेड ग्राफ है वो आपके पास स्पैनिंग ट्री हो सकता है। आपके ग्राफ में से क्योंकि एक्स्ट्रा एजेस को हम लोग रिमूव करते जाएंगे तो वो एक प्रॉपर हमारे पास क्या बनेगा, ट्री की शेप बन जाएगी। अ ग्राफ में है मोर देन वन स्पैनिंग ट्री। आपके पास कोई भी ग्राफ है उसमें मोर देन वन स्पैनिंग ट्री हो सकते हैं। लाजमी नहीं है कि जो यहाँ पे मैंने ये ग्राफ क्रिएट किया आप लोग ये ग्राफ क्रिएट करो, आप लोग कोई और भी इसमें से एजेस को रिमूव कर सकते हैं। एनी टू स्पैनिंग ट्री ऑफ अ ग्राफ हैव द सेम नंबर ऑफ एजेस। अगर आपके पास दो स्पैनिंग ट्रीज आ रही हैं तो उसमें ग्राफ में ग्राफ की बन रही है तो उसके सेम नंबर ऑफ एजेस जो हैं वो होने चाहिए। इफ अ ग्राफ इज अ ट्री द ओनली स्पैनिंग ट्री इज इटसेल्फ। अगर इसमें अगर ग्राफ आपके पास ट्री है तो वो स्पैनिंग ट्री ही आपस इटसेल्फ क्या है, वो एक स्पैनिंग ट्री ही है। फाइंड द स्पैनिंग ट्री ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बिलो। अब ये आपके पास वही ग्राफ गिवन है, अब इसका हमने क्या करना है, स्पैनिंग ट्री बनाना है कि हम लोग इसमें से जो भी नंबर ऑफ एजेस हमारे लिए एक्स्ट्रा है हम लोग उसको रिमूव करते हुए जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ए बी एफ इस ट्राइंगल है। सो अगर जो ट्राइंगल बनता जाएगा, फॉर एग्जाम्पल ये देखो ए बी और एफ ये ट्राइंगल बन रहा है, इसमें से एक एज को हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। अगर ए से बी जा रहे हैं, बी से एफ पे भी जा सकते हैं, तो ए से एफ वाला जो है एक्स्ट्रा पाथ है हम लोग इसको रिमूव कर दिया, तो सिर्फ हमारे पास अब जो पाथ बनेगा वो क्या बनेगा, ए बी एफ पाथ बनेगा। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ट्राइंगल है वो ये है बी एफ ई। अब ये एक सर्किट बन रहा है बी ये ई और ये सी। अब हम लोग बी से सी और सी से ई पे भी जा सकते हैं, या बी से एफ पे आ रही हूँ, लेकिन आगे अगर मैं देखूँ तो मैं किसी और सिटी के अंदर से होके भी यहाँ पे इजीली मूव कर सकती हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी एफ है, सो हम लोग ने क्या करना है, रिमूव कर देना है किस ट्राइंगल, एफ और ई के पाथ को, एफ और ई के पाथ डायरेक्टली पाथ को हम लोग ने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब क्या है, बी सी ई, अब हमारे पास बी सी ई का एक और पाथ ट्राइंगल आ रही थी, बी सी और ई। तो अगर मैं बी से ई पे डायरेक्टली मूव कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास एक ऑप्शन और भी है कि मैं बी से सी पे जाऊं और सी से ई पे भी ऑप्शन हो, इसमें क्या है कि मैं एक और सिटी को कवर कर सकती हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, बी से ई वाली जो सिटी है रिलेशन बना हुआ सर्किट में, उसको हम लोग क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। अब इसी तरह अगर एक नेक्स्ट ट्राइंगल है हमारे पास, जो नेक्स्ट ट्राइंगल रह गया वो क्या है, सी ई डी। अब सी ई और डी है, मैं सी से डी से ई पे भी जा सकती हूँ, या मैं ये कर सकती हूँ कि सी से ई पे डायरेक्टली कर दूं और सी से ही डी पे जा सकती हूँ। ये वाली जो ई और डी वाली लाइन है ये हमारे पास एक्स्ट्रा है, हम लोग इसको रिमूव कर देंगे। तो सी डी ई एक सर्किट बन रहा था प्रॉपर, तो इसमें हमने क्या किया, ई और डी को रिमूव कर दिया, तो हमारे पास एक सर्किट जो था वो रिमूव हो गया। अब हमने क्या करना है, इसकी टोटल ये हमारे पास एक प्रॉपर स्पैनिंग ट्री बन गया है। यहाँ पे क्या है कि आपके पास अगर देखो कोई भी सर्किट भी अवेलेबल नहीं है और सारे के सारे जितने भी वर्टिसेस हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं।
अब हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास ये सारी की सारी ट्राइंगल्स आ रही हैं, ये एक और एग्जांपल के तौर पे ए बी एफ डी ई सारे पाथ्स बने हुए, अब हमने क्या करना है, वी हैव रिमूव ये टोटल अगर एजेस देखो तो हमारे पास 9 है, तो वर्टिसेस 6 हैं, प्लस 1 कर दिया, 9 - 6 + 1, तो हमारे पास जो एजेस बनने हैं वो 4 बनने हैं, 1 6 - 1 ये टोटल 6 है, 6 - 1 करोगे तो आपके पास 5 एजेस बेसिकली यहाँ पे बनने चाहिए थे। अब यहाँ से हमने अब ये क्या है, टोटल हमारे पास अगर एजेस देखो 9 है और ये 6 है, ये प्लस 1 हमने इसलिए करे कि हमारे पास एक वर्टिसेस जो है फॉर्मूला के अंदर होता है कि आपके पास टोटल वर्टिसेस और एजेस माइनस करो तो साथ में प्लस 1 हम लोग कर रहे थे, एन प्लस 1 कर रहे थे, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एजेस जो है वो हमारे पास कंसिडर किए जा रहे होते हैं। अब हम लोग इनको रिमूव करते हुए जाएंगे, अब जैसे इसको रिमूव किया यहाँ से हम लोग एक को रिमूव करेंगे तो 9 - 6 है, अभी भी हमारे पास क्या आ रहा है कि 4 एजेस है, लेकिन अगर ये देखो तो हमारे पास कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 और 5 आ रही है। अब टोटल हमारे पास यहाँ पे 5 एजेस होनी चाहिए, क्यों, हमने एक पीछे फॉर्मूला में पढ़ा था आपके जितने भी नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे हमेशा आपके जो एजेस हैं वो क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए एक, तो यहाँ पे ये क्या है बेसिकली यहाँ पे ये 5 एजेस बनते हैं। एक और क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द स्पैनिंग ट्री ऑफ द ग्राफ इज गिवन, ब्रू ये आपके पास पूरा का पूरा एक ग्राफ गिवन है जिसमें हर एक वर्टिसेस जो है आपस में कनेक्टेड हैं। अब हमने क्या करना है, अपने रिमूव करना है कि आपके पास जो भी टोटल एजेस हैं और आपके पास जो वर्टिसेस हैं और प्लस 1 कर देना है, तो हमारे पास टोटल अगर हम एजेस देखा जाए तो हमारे पास 5 एजेस हैं, 1 2 3 4 और 5, और वर्टिसेस कितनी है, हमारे पास 4 वर्टिसेस हैं और प्लस 1 के, तो टोटल 2 हमारे पास क्या होने चाहिए, स्पैनिंग ट्री बनने, इसके पॉसिबल जो स्पैनिंग ट्रीज बनते हैं वो 2 पॉसिबल स्पैनिंग ट्री आपके पास बन सकते हैं। ये आपके पास ये भी ऑप्शंस दे रहे हैं कि आपके पास टोटल स्पैनिंग ट्री जो है वो कितने बन सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 पॉसिबल स्पैनिंग ट्री बन सकते हैं, अगर इसमें से आप लोग कोई भी पाथ को रिमूव कर दो, फॉर एग्जांपल V0 से V1, V1 से V2 और V3, और ये वाली रो रिमूव कर सकते हैं एंड ये वाली भी रो आप लोग रिमूव कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन है V0 से V3, V3 से V1 और V3 से V2, और ये वाला एच और ये वाला एच जो है वो आप लोग रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग V0 और V1 को कनेक्ट कर सकते हैं, या सेकेंड ऑप्शन हो सकते हैं कि हम लोग V0 और V3 को कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारे पास क्या है कि हमने V0 और V1 को एक दफा कनेक्ट कर दिया, और एक दफा हम लोगों ने यहाँ से क्या किया, V0 और V3 को कनेक्ट कर दिया। अब ये हमारे पास 2 पॉसिबल वेज हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने एजेस बना, अपने ग्राफ जो हैं वो सब ट्री स्पैनिंग ट्रीज जो हैं वो बना सकते हैं। अब ये पॉसिबल है कि आप लोग कौन से एजेस को कौन से पॉइंट्स को रिमूव कर रहे हो, अभी यहाँ तक जितने भी स्पैनिंग ट्रीज बन रहे हैं इसमें हमारे पास कोई भी वेट गिवन नहीं है कि फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ ये नहीं लिखा हुआ कि V0 से V1 पे जा रहे हैं तो आपकी कॉस्ट कितनी है, V1 से V2 पे जा रहे हैं तो आपकी कॉस्ट कितनी है, V2 से V3 पे जा रहे हैं तो आपकी कॉस्ट कितनी है। अभी जस्ट हम लोग के पास क्या है, एक सिंपल अनडायरेक्टेड ग्राफ है, और अनडायरेक्टेड ग्राफ में से हम लोग ने जो एक्स्ट्रा हमें लग रहा है कि ये एजेस रिमूव हो अगर कर भी जाए तो हमारे जो भी पाथ है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ हम लोग एक दूसरे की सिटी एक दूसरे के साथ ये सारी की सारी वर्टिसेस जो है वो कनेक्टेड रहेंगी। हाँ, जब आपके पास वेट गिवन हो जाएगा तब आपको सारे वेट को भी ऐड करके चेक करना पड़ेगा कि कौन सा आपके पास सूटेबल पाथ है और कौन सा सूटेबल पाथ आपके लिए नहीं है। अब ये हमारे पास दूसरा है कि हम लोग किस तरह यहाँ पे इन वर्टिसेस को भी रिमूव कर सकते हैं, यहाँ पे V0 V1 है, V1 और V3 को अगर आप रिमूव करो तो आपके पास एक और इस टाइप का भी ग्राफ बन सकता है। अब इसमें भी देखो सारे आपस में क्या है, कनेक्टेड है, अगर मुझे V0 से V1 पे जाना है तो मैं V0 से V3, V3 से V2 और V2 से V1 पे मूव कर सकती हूँ। ये एक और है कि हमारे पास ये पॉसिबल सोल्यूशन है कि हम लोग इस तरह भी बना सकते हैं, आपस में सारे कनेक्टेड हो सकते हैं। एक ये पॉसिबल सोल्यूशन है कि हम लोग साइड से इसकी जितनी भी बार थी V0 से जो V3 को कनेक्ट करी थी और V1 से V2 को कनेक्ट करी थी इसको रिमूव कर दें, और एक हमारे पास ये पॉसिबल ऑप्शन है कि हम लोग जो हमारे पास डायगनल पे आ रहा था और V0 V3 से आ रहा था इन सबको रिमूव करते हैं। ये हमारे पास एक ग्राफ के स्पैनिंग ट्रीज हैं, हम लोग एक ग्राफ से इतने मल्टीपल टाइम्स ऑफ स्पैनिंग ट्रीज जो है वो बना सकते हैं, ये टोटल 8 बन रहे हैं। आपके पास अगर 4 वर्टिसेस हैं और हमारे पास इसमें 5 एजेस थे तो इससे हमने टोटल जो स्पैनिंग ट्री के ग्राफ बनाए हैं वो 8 क्रिएट किए। अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको क्वेश्चन आ जाए कि आपके पास ये ट्री है, आपने इस ट्री से ग्राफ गिवन है, आपने इस ग्राफ से जो है वो स्पैनिंग ट्री करना है, तो आप लोगों की ऑप्शन है, आप लोग कोई भी इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ये कह दिया जाए कि कितने मैक्सिमम नंबर बन सकते हैं तो फिर आप लोग को वो सारे के सारे जो है वो क्रिएट करने पड़ेंगे।
एक एग्जांपल है, फाइंड द स्पैन ट्री ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स है, आपके पास यहाँ पे फॉलोइंग ग्राफ्स दे दिए, इसने के 15 दे दिया है और के 4 दे दिया है, जिसमें क्या है 15 है इसमें 1 वर्टिसेस वन सेट है और 5 वर्टिसेस हैं इन अदर सेट। आपके पास दो सेट दे दिए उसने, एक में आपके पास 1 वर्टिसेस है और एक में आपके पास क्या है टोटल 5 वर्टिसेस है। तो इसका मतलब है कि एक आपके पास सेट मेन जो है ये आपके पास ट्री बनेगा, ये आपके पास एक वर्टिसेस का फर्स्ट सेट है जहाँ पे आपका पेरेंट है, और बाकी के पास सारे जितने भी वर्टिसेस हैं वो सारे के सारे इसके साथ कनेक्टेड हो जाएंगे। तो 5 और 1 है तो प्लस करेंगे तो टोटल हमारे पास जो वर्टिसेस बन रही है वो 6 वर्टिसेस बन रही है। तो ये एक वर्टिसेस के थ्रू हम लोगों ने सारे के सारे ग्राफ्स को कनेक्ट कर दिया, तो ये पहले से हमारे पास स्पैनिंग ट्री में आ रहे हैं, तो इसको फर्दर हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। अब ये K4 था, इसमें उसने K4 लिख दिया था, इसमें अब 4 वर्टिसेस थे, इसका मतलब था कि सारी की सारी वर्टिसेस जो है वो आपस में क्या है कनेक्टेड हैं। 4 K4 कर दिया था तो इसका मतलब कंप्लीट ग्राफ है, 4 वर्टिसेस हैं, 4 की 4 वर्टिसेस जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो उसके अगेंस्ट हम लोगों ने ये ग्राफ बनाया, ए से बी, बी ए से डी पे भी जा सकते हैं, ए से सी पे भी, और ए से हर वर्सेस को हम लोग एक ही पॉइंट से कवर कर सकते हैं। तो अब हम लोगों ने क्या किया, अब जब इसको ये पूरा कंप्लीट एक ग्राफ बन रहा है तो अब हमने क्या करना था, इसको स्पैनिंग ट्री में लाना था। तो स्पैनिंग ट्री में लाने के लिए हमारे पास कितना होना चाहिए था कि हमने क्या किया, आपकी टोटल नंबर ऑफ एजेस और टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस प्लस 1 कर दिया, तो जिसमें हमारे पास 3 एजेस बन रहे हैं, 3 एजेस टू गेट अ स्पैनिंग ट्री। अगर 3 एजेस होंगे तो हमारे पास जो हमारा ट्री है वो एक स्पैनिंग ट्री बन जाएगा। अब ये देखो, ए से बी, बी से सी और बी से डी, ये वाले सिंपल ये 3 रखते हैं, ये और ये, तो हमारे पास हमारा जो है कंप्लीट एक स्पैनिंग ट्री जो है वो बन रहा है। या मैं ये रख सकती हूँ ए से सी, ए से डी और ए से बी, एक ये बन सकती है ऑप्शन हमारे पास, यहाँ ए से सी, सी से डी और डी सी से बी, एक ये हमारे पास क्या है इसके स्पैनिंग ट्री की ऑप्शन जो है वो क्रिएट हो सकती है। ये है कि हम लोग जो भी एक्स्ट्रा एजेस थे उन सबको हम लोग क्या करते जा रहे हैं, यहाँ से रिमूव करते हुए जा रहे हैं। फर्स्ट था कि हमने क्या अगर रिमूव किया, ए और बी का पाथ रिमूव कर दिया, बी और डी का कर दिया, सी और डी का पाथ जो है वो रिमूव कर दिया। इसके अलावा आप लोग यहाँ से ये भी कर सकते हैं, ए से बी, बी से सी और सी से डी पे जा सकते हैं, बाकी सारे के सारे पाथ को रिमूव कर सकते हैं। हम लोग ने कह दिया कि 3 एजेस होने चाहिए, 3 एजेस के अगेंस्ट अगर मैं इसके बनाऊँ तो पॉसिबली मेरे पास यहाँ पे भी 8 to 9 जो है वो स्पैनिंग ट्रीज जो है वो बन सकते हैं। आगे आ जाता है किरचॉफ थ्योरम है, ऑफ मैट्रिक्स ट्री थ्योरम्स है। अब इसमें हम लोग क्या मैम करें, जी जी पहले आप कह रही थी जो स्पैनिंग